जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए सेशन में हम लोग सीआई पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने पहला सेशन आप सबको प्रोवाइड कर रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो आपसे हमें ज़रूर कहेंगे कि इस सेशन को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले सेशन सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला जो हमने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है, उसको भी आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपका एक बेहतरीन ढंग से क्लियर कंसेप्ट बिल्ड हो सके, आप सारी चीजें अच्छे से समझ सकें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कैरियर विहार टेलीग्राम चैनल बना रखा है। इस चैनल के नाम से हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बना रखा है, वहां से आप ज्वाइन अगर आप करते हैं उसको, तो जो भी अपडेट्स होगा सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग, जो भी अपडेट होगा आपको, हम उसमें आपको जानकारी देते रहेंगे, तो आपको जानकारी मिलते रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे रखे हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम जरूर कहेंगे आपसे कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि रेशियो मेथड। सीआई में आपने रेशियो मेथड का नाम सुना होगा, रेशियो मेथड की बड़ा चर्चा रहता है, रेशियो से बनाइए, रेशियो से बनाइए सीआई को। तो रेशियो मेथड बेसिकली है कुछ नहीं, जैसे आपने बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक सीआई का आपने बेसिक अगर आप जानते हैं तो उसी का थोड़ा सा स्मार्ट बोल सकते हैं, स्मार्ट फॉर्म है। आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने अगर कभी सीआई पढ़ा होगा तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्वल टू पी इंटू सौ प्लस आर अपन सौ पावर में ये एन होता है, एन मतलब आपको टाइम होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब समय अगर 2 साल है तो एन के बदले में यहां पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। समय 3 वर्ष है तो एन के बदले में यहां पर 3 रखते हैं, और 3 रखने का 4 रखने का 2 रखने का मतलब ये होता है कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, अगर ये 2 है मतलब ये 2 बार है, अगर यहां पर 3 है मतलब ये 3 बार है। लेकिन चूंकि ब्याज का दर सेम है प्रत्येक वर्ष, देखिए यहां पर आर लिखा गया ना, मतलब प्रत्येक साल ब्याज का दर सेम है, तो वो बार बार एक ही चीज रिपीट होगा, तो इसलिए उसको बार बार न लिखकर वो जितना बार है उतना पावर में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर प्रत्येक साल ब्याज का दर अलग अलग हो तो उसको आप कैसे लिखेंगे, पी इंटू सौ प्लस, पहले साल मान लीजिए कि आपका ब्याज का दर आर1 है तो 100 प्लस आर1 बाई 100, फिर ये 100 प्लस R2 बाई क्या करेंगे आप, 100 कर लेंगे, फिर ये अगले साल ब्याज का दर आपको R3 है तो 100 प्लस R3 बाई ये 100 कर लेंगे, ऐसे करना होता है, क्लियर। लेकिन वही जब आपको हर एक साल ब्याज का दर सेम रहे तो R आप माने हैं तो उसको बार बार न लिखकर अगर 2 बार है तो 2 पार में डाल देते हैं, 3 बार है तो पार में 3 डाल देते हैं। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो जो नीचे का जो सेक्शन है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, जो पूरा ये पार्ट है ये मूलधन जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं उसको इंडिकेट करता है, और जो ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर ऊपर जो आपके 100 प्लस R1 100 प्लस R2 100 प्लस R3 ऐसे दिखाई दे रहा है, ये आपने मिश्रधन नाम सुना होगा, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट को इंडिकेट करता है, क्लियर। अब रेशियो मेथड में होता क्या है, होता क्या है, देखो ये आपका 100 इंटू 100 इंटू 100 ही तो है, ये इसको ऐसे लिखा गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा गया, ऐसे अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज ना लिखकर ऐसा हम वर्टिकल लिख दे, 100 100 100 ऐसे सब वर्टिकल हम लिख दिए, ऐसे खड़ा, देखिए ये आपका 100 प्लस R1 100 प्लस R2 100 प्लस R3, इसको हॉरिजॉन्टल लिखा गया क्षैतिज, इसको क्षैतिज ना लिखकर वर्टिकल लिखा जाए तो देखो 100 प्लस क्या हो जाएगा R1, ये 100 प्लस क्या होगा R2, ये 100 प्लस क्या होगा R3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये प्रिंसिपल था, ये
नीचे वाला सब क्या होता है, प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल था, और ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या था, अमाउंट। क्लियर? तो चूंकि पहले साल का है, देखो ये पहले साल, ये दूसरे साल और ये तीसरे साल, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर और ये हो गया थर्ड ईयर। क्लियर? अब इसी को कहा जाता है कि आप गुणा कर लेंगे। देखो पहले साल में आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, देखो यहां पे 100 प्लस क्या हो गया, 100 इज टू 100 प्लस आर वन। दूसरे साल में 100 इज टू 100 प्लस आर टू। तीसरे साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 100 अनुपात 100 प्लस क्या हो गया, आर थ्री हो गया। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, समझिएगा, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले साल ब्याज का दर आपको 10% है, तो इसके हिसाब से लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेट करेंगे, रेशियो। तो प्रिंसिपल के लिए 100 लिखेंगे आप, और ब्याज आपको 10% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110 फर्स्ट ईयर के लिए। देखो वही तो हुआ यहां पर 100 प्लस आर वन। आर वन क्या है, पहले साल का दर है, रेट। तो पहले साल का दर हमने क्या बोला, 10%। अगर हम मान के चले कि पहले साल का रेट क्या है, 10% है, आर वन मान लो कि 10% है, दूसरे साल का रेट आपको मान लो कि 5% है, और तीसरे साल का रेट हमने मान लिया कि 6% है, ऐसे मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट ईयर के लिए आप अगर प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो लिखोगे तो 100:110 हो गया। सेकेंड ईयर के लिए लिखोगे आप तो 100:100 क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर? थर्ड ईयर के लिए लिखोगे आप तो ये देखो ये 100:100 क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ऐसे होगा। और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि देखो यहां पे बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई ही तो हुए। देखो यहां पर क्या है, इन टू है, इस वजह से यहां पर मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये इसी, देखो ये जो आपका बेसिक तरीका है आपने पढ़ा होगा, उसी का ये फॉर्म है, उसी का स्मार्ट रूप बोल सकते हो, रेशियो मेथड और कुछ नहीं है, जो आपने बेसिक पढ़ा था वही बेसिक का थोड़ा सा स्मार्ट फॉर्म है, बस और कुछ है नहीं। अब इसको थोड़ा सा और स्मार्ट बनाना चाहोगे तो देखो इसको क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या ऐसे स्मार्ट आप इसको और कैसे बना सकते हो, जैसे देखो यहां से इन दोनों में अगर कुछ कमन काट के आप छोटा कर सकते हो, ऐसे। क्लियर? इन दोनों में देखो यहां पे काटोगे तो ये कटेगा 5 से, 20 25 100 हो गया, 21 25 105। इन दोनों में देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 50 बार में और 2 से 53 ना। तो आप इनको और स्मार्ट बनाओगे, और स्मार्ट बनाओगे ना, और तो देखो ये 10:11 10:11 हो जाएगा, ये 20:21 हो जाएगा, और ये 50:50 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ये और स्मार्ट हो गए। क्लियर? तो ये है बेसिक तरीका, ये बेसिक तरीका ही है और कुछ नहीं है। उसी को थोड़ा सा इधर तोड़ मरोड़ करके, सेट वगैरह करके आपको इस फॉर्म में ला दिया गया, बेसिक तरीका ये। ठीक है? तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परसेंटेज और आप के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप रखते हैं, तो देखो दर जो है, दर 10% है, 10%। तो पहले साल जो ब्याज का दर है 10%, का मतलब आप परसेंटेज में अगर आप जानते हो तो 1/10 होता है, परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म आप जानते हो तो इसका मान 1/10 होता है। तो जो नीचे का वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये इंटरेस्ट है, ब्याज इंटरेस्ट को बतलाता है, इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल 10 रुपया है तो एक साल में आपका ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। तो अमाउंट प्रिंसिपल और ब्याज का योग होता है, प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट आता है, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 11, प्रिंसिपल हो गया 10। यानी कि डायरेक्ट आप ऐसे सेट कर सकते हो, आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लीजिए डायरेक्ट फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद से हमेशा याद रखना है कि नीचे जो होगा वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को बताएगा, और ऊपर जो आएगा वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ब्याज,
प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करने पर क्या आते हैं अमाउंट। तो अब जो ये आपके पास नया ये डेटा आपका रेडी हुआ है तो इसमें प्रिंसिपल है और क्या है अमाउंट है, क्लियर। तो हमको इतना तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट हमको लिखना है कि पहले साल अगर ब्याज का दर आरोहण है तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:1 कितना है, 11 है फर्स्ट ईयर के लिए। इतना नहीं करना है आपको, एकदम शॉर्ट अप्रोच। दूसरे साल ब्याज का दर 5% है तो अगर आप परसेंटेज में जानते हो तो 5% का मतलब होता है 1/20, क्लियर। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। तो जो रेशियो बन के आएगा वो 20:1 कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 21 आएगा, ठीक है। और थर्ड ईयर में ब्याज का दर कितना है, 6% है, 6%। तो 6% को आप 6/100 भी लिख सकते हो, काटोगे 2 से 3 बार में 2 से 50 बार में, यानी कि प्रिंसिपल 50 से अमाउंट 53 होगा क्योंकि ब्याज आपका 3 है, ऊपर वाला ब्याज होता है। तो थर्ड ईयर के लिए डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, तो 50:1 कितना, 53 आप लिख दोगे। ऐसे देखो वही चीज आ गया, ये जो आपको आया है ये वही चीज है। तो हमने यहां पर आपको समझाया था ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके क्यों समझाए थे, क्योंकि हमको ये समझाना था कि ये जो आसमान से नहीं आता, ये बेसिक तरीका ही ऐसे किया गया, उसी को ऐसे और सिंप्लीफाई करके ऐसे कर दिया गया और उसी को जो है स्मार्ट तरीके से ऐसे कर दिया गया। यही आपका रेशियो मीटर है, जो रेशियो मीटर देखते हैं आप वो और कुछ नहीं, बेसिकली आपका जो बेसिक तरीका है उसी का स्मार्ट वर्जन बोल सकते हैं आप, अपडेटेड फॉर्म है बस, क्लियर। तो रेशियो मेथड के बारे में हमने एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हमने देने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आप इससे बेसिक से अंडरस्टैंडिंग जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हमने जो बताने की कोशिश की है उसको आपने कितना समझा, कितना कितना आप समझ गए, क्लियर। अब इसमें हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, ताकि एकदम हर एक बात आपको क्लियर हो सके कि भाई हम लोग कैसे रेशियो मेथड में हम रेशियो बनाएंगे, कैसे रेशियो बनाएंगे। और रेशियो मेथड में आपको याद रखना है कि हमेशा जो रेशियो बनाएंगे वो किसका बनेगा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का। ये बात आप याद रखिए कि हम लोग इसमें जो रेशियो बनाएंगे किसका बनेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनेगा, क्लियर ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का ही हमें अनुपात बनाना है, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा, अच्छे आप ये समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि रेशियो मेथड है क्या। अब इस पर हम लोग अलग अलग दर और अलग अलग टाइम को लेकर कैसे हम लोग रेशियो तैयार कर सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का, उसकी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, और जब हम आपको दर और टाइम लिखेंगे तो आपको भी करना है मेरे साथ, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए ना। देखो तैयारी जो है ना, तैयारी हमें और आपको मिलकर करना है। हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि भाई सब चीज हमें समझाएंगे, सब बताएंगे। आपको भी उतना ही मेहनत करना है जितना हमें करना है। आप अपने स्तर से 100% दीजिए, हम अपने स्तर से 100% देंगे, तब तैयारी दोनों के सहयोग से, आपके और मेरे सहयोग से परफेक्ट तैयारी होगी। तो ऐसे केवल वीडियो देखना नहीं, कलम कॉपी के साथ देखना है ना। अब ये हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे हम बोले हैं, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस आपको हम करा रहे हैं कि आप कैसे रेशियो निकालेंगे। हमने लिख रखा है पहले कि मान लीजिए कि 10% रेट आपका 10% पर एनम है प्रतिवर्ष, और टाइम आपका 2 वर्ष 2 इयर्स, टाइम आपका 2 इयर्स। आपसे हमने पूछा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाइए,
रेशियो मेथड से आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाइए। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज हालांकि हमने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे सब बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखें, या आप हम लिख देते हैं याद रखें, जिनको एकदम रट जाना। जैसे 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। और ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, 10% मतलब 10/100 हुआ, परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे एक 100 आता है, काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ये आसमान से उड़ के नहीं आया, क्लियर। 5% का मतलब 5/100, काटेंगे तो 1/20। लेकिन आपको याद कर लेना है, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आपको समय को बचाना है ना, सेव करना है। हम ही कहा बोल रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, जैसे 5% है तो 5/100 कर लेंगे। लेकिन आप 5/100 करने में जो टाइम लगाएंगे, भले आपको 1 सेकंड लगेगा, उस 1 सेकंड को आपको सेव करना है। कैसे करेंगे तो आपको याद रहेगा, तब कर पाएंगे आप। अब जैसे आपसे बोले हम कि 12.5%, तो 12.5% मतलब 1/8, इसको आपको याद रखना है। 16.2/3%, 1/6, 25%, ठीक है तो 1/4, 20%, 1/5, 11.1/9%, 1/9, 9.1/11%, 1/11। तो कम से कम इतना आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसे परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन वैल्यू है जिनको क्वेश्चन में आप अक्सर देखेंगे, जिनका यूज आपको ज्यादा होता है, ये देखने को मिल जाएंगे आपको, तो इनको याद कर लेना ज्यादा बेहतर है। देखिए यहां पे रेट हमने 10% पर एनम रखा है, और 10% का मतलब आप देखिए वहां पे 1/10 लिखा है, और ये बात एकदम कंफर्म आप समझ जाइए कि भाई ये जो 1/10 है ना, 1/10 में जो 10 दिख रहा है, 10 ये तो प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो देखिए अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट का मतलब होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब हम रेशियो निकालें, रेशियो प्रिंसिपल और ये अमाउंट का। तो देखो यहां पे रेट जो है ना प्रति साल पर एनम, प्रति वर्ष हमने सेम रखा है, मतलब पहले साल भी दर वही है और दूसरे साल भी दर 10% है दर से में। तो जब आप रेट निकालोगे, रेट देखो फर्स्ट ईयर के लिए रेट जब आप निकालोगे फर्स्ट ईयर, और यहां से हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। अच्छा फर्स्ट ईयर मतलब पहला साल, सेकेंड ईयर मतलब दूसरा साल। तो पहले साल के लिए रेट क्या, रेट आपका जो है 10% है और प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11 हो गया। दूसरे साल के लिए भी आपका रेट कितना है, 10% है, तो प्रिंसिपल 10, अमाउंट 11 हो गया। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ और अमाउंट को अमाउंट के साथ। तो देखो ये 10 × 10, ये 11 × 11, ऐसे कर सकते हो आप, या डायरेक्ट आप 100 अनुपात क्या 121 आप लिख सकते हो, जिसमें प्रिंसिपल होगा। ये वाला सेक्शन क्या है, प्रिंसिपल है, और ये सेक्शन अमाउंट का, क्लियर। अच्छा क्या ये रुपया नहीं है, ये हमने अपने से रेशियो में कन्वर्ट किया, तो ये रेशियो फॉर्म है, ऐसा नहीं कि 100 रुपया 121 रुपया, ऐसा नहीं। अच्छा ले भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, जैसे आप इसको रुपये में लेंगे तो ये रुपये में लेना पड़ेगा, इसको अगर आप पैसे में लेंगे तो इसको पैसे में लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो का आपने कोई यूनिट तो होता नहीं है। आप इसको जिस फॉर्म में लेंगे उसी फॉर्म में इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्लियर। तो ये तो हो गया भाई पहला। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं दूसरा, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे बोले कि भाई रेट जो है, रेट आपका 12.5% पर एनम है, पर ईयर, टाइम समय 2 साल है। आप रेशियो मेथड का यूज करके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए। अच्छी क्वेश्चन हम नहीं करा रहे आपको, हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार कर रहे हैं, पहले आप तैयार तो हो जाएं।
उसके बाद से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। तो देखो यहां पे 12.5% ये पर एनम रेट है, और 12.5% का मतलब हमने यहां पे लिखवाया है 1/8, तो ये हो गया 1/8 हुआ, ये 1/8 हो गया, जिसमें ये तो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल और क्या है इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो आपको क्या निकलेगा अमाउंट। तो अब ये हुआ प्रिंसिपल और ये हुआ अमाउंट। अब चूंकि समय 2 साल है तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए, और ये हो गया सेकेंड ईयर। तो चूंकि रेट आपका दोनों साल के लिए सेम ही है, तो ये 8:9 यहां पर भी होगा, 8:9 यहां पर भी होगा, यहां पर भी गुणा करना है, तो 8 8 64 और ये 9 9 81 हो गया। क्लियर? मतलब ये वन की प्रिंसिपल आपका 64 है और 2 साल के अमाउंट कितना हो गया 81 यूनिट हो गया। तो दोनों के बीच देखो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो डिफरेंस होता है अंतर, वो क्या होता है, तो वो बेसिकली होता है सीआई। तो अगर हम यहां से बोलें कि 2 ईयर्स का जो सीआई निकल के आएगा यूनिट के फॉर्म में कितना होगा, सिंपल सी बात है कि आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लीजिए, 81 से 64 को हम घटा लेंगे, घटाइएगा तो 16 17 आएगा, 17 यूनिट क्या बनेगा सीआई बनेगा। तो ये बेसिकली हमने, आप ध्यान दिए होंगे यहां पे, हमने यहां पे दोनों साल के, 2 साल की हम बात किए, 2 साल के लिए हमने बात तो की, लेकिन यहां पे हमने प्रत्येक ईयर ब्याज का दर क्या रखा, सेम रखा, और तब हम आपको बोले कि भाई आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, क्लास में बिल्कुल वैसे, हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है। हड़बड़ी वाली बात कब रहती है, जब डिस्कशन कराना होता है, डिस्कशन जैसे आप पेपर प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाना होता है। यहां पर एकदम बिल्कुल इत्मीनान से हर एक छोटी सी छोटी बारीक चीज जो आपको जानना चाहिए वो सब हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा कर आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना? आगे आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम ऐसा कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आए, क्लास लेकर आए, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस सेशन को अटेंड करके लाभ ले सकें। साथ में हम ये भी कहेंगे कि आप अगर, आपको लगता है कि हम थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छाई दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लगता है कि भाई हमने कुछ अच्छा नहीं किया आपके लिए, शेयर मत कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर लगे कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया, शेयर कर दीजिएगा, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे। आइए अगला 3 नंबर, 3 नंबर में आपसे बोलेंगे हम कि भाई मान लीजिए कि पहले साल R1 मतलब पहले साल ब्याज का दर 10% हम रख लेते हैं, पर 10% है, और दूसरे साल ब्याज का दर हम मान लीजिए कि रख देते हैं 20%। 2 ही साल समय है, टाइम आपका 2 ही साल, टाइम 2 ईयर्स है, और आपसे हम पूछे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बेसिकली क्या होगा, मतलब रेशियो मेथड का यूज करके आपको बताना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा। तो इसमें आपको विशेष कुछ करना है नहीं, देखिए 10% के लिए आप अभी सीख चुके हैं कि 1/10 होता है, और 20% के लिए आपने अभी देखा है कि 1/5 होता है। तो ये आपका ऊपर का इंटरेस्ट है, तो आप जब तैयार करेंगे तो ये 10 और ऐड हो जाएगा 11, और यहां पर देखिए 5, ये क्या हो गया 6। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर की जब बात आएगी
और ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखो यहां पे आर वन चूंकि फर्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल तो 10 है, अमाउंट 11 हो गया। सेकेंड ईयर के लिए आप देखेंगे तो प्रिंसिपल आपका 5 है और अमाउंट कितना हो गया 6। इनटू कर लेना, गुणा कर लेंगे हम लोग, और जब गुणा करेंगे ना तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ और अमाउंट को अमाउंट के साथ ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि किसी को किसी से गुणा कर दिए। तो 10 गुणे 5 कर लिए और 11 गुणे 6 कर लिए। अगर इधर उधर कुछ कटने वाला हो तो काट के आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे देखिए यहां से 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 10 5 25 25 और ये 11 3 33। तो ये जो हम निकालेंगे क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये अमाउंट को बतलाएगा, दोनों के बीच जो अंतर होगा वो सीआई को बतलाएगा। तो सीआई जो होगा वो कितना यूनिट होगा, रियल का नहीं है, रेशियो है, अनुपात है। तो सीआई हो जाएगा 33 माइनस 25 यानी 8 यूनिट आपका सीआई बनेगा। क्लियर? तो ये हमने तीसरा क्वेश्चन हमने पहले से आपको लिख लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चौथा आ जाइए, चार नंबर में पहले साल जो रेट है ब्याज का जो दर है वो 12.5% और दूसरे साल हमने रेट रखा है 16.2/3% है। टाइम आपका वही 2 इयर्स है और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट का। देखिए फिर से वही कहा रहे 12.5%, अभी कुछ देर पहले बताए थे इसका मतलब 1/8 और इसका मतलब 1/6, कुछ देर पहले तो बताए थे, ठीक है। तो ये 8 पर 1 रुपया के ब्याज, यानी कि आप ये पहले साल जब आप आएंगे ना तो मूलधन 8 हो गया और अमाउंट 9 हो गया, देखो प्रिंसिपल और ये अमाउंट फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आप आओगे तो प्रिंसिपल तो 6 हुआ, अमाउंट कितना होगा 7, आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा ये 8 × 6 = 48 और 9 × 7 = 63, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस बेसिक से कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे, इसमें बहुत सारी चीज अभी आने बाकी है, ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल हमने बेसिक से शुरू किया, अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे बच्चों को आता है कि सर हमको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, तो हम लोग बेसिक से शुरू करके थंबनेल में हमने लिखा भी था कि बेसिक टू एडवांस लेवल, और आपको हम इतना बता देने वाले हैं कि आपको कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि भाई जो बड़े नाम वाले टीचर हैं वो ज्यादा आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हम लोग मतलब छोटी जगहों पर हम पढ़ाया है तो ऐसा नहीं कि जानकारी कम है, जगह छोटा है लेकिन जानकारी छोटी नहीं, जानकारी है और कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन मैथ के बारे में तो जानकारी है। इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको मतलब जो ऐसे दिल्ली पटना बच्चों को आता है कि भाई हम पटना वाले सर से पढ़ रहे हैं, दिल्ली वाले सर से पढ़ रहे हैं, तो एक हाइप रहता है कि भाई बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई छोटी जगहों से भी बहुत लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो चूँकि हम सिवान में पढ़ाए हैं, सिवान में पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी है, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, हम पढ़ाए भी हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने सफल बनाए भी है, आपको भी सफल बना देंगे, बस विश्वास बनाए रखना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बस आप विश्वास बनाए रखते हैं हम पे तो बस आपके लिए हम कुछ अच्छा कर लेंगे ना। तो ये चीज बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, आपको समझ आ रहा होगा, मतलब मेरा एकदम कॉन्फिडेंस इतना तो है कि मैं आपको समझा दें। तो ये तो जो टाइम हमने लिया है टाइम, ठीक है टाइम 2 साल, इधर भी हमने 2 साल लिया था ना, अब हमने थोड़ा सा अब आपको हम यहाँ से चेंज करेंगे। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और उसके बाद से हम फिर आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। अब देखिए क्लास डेली तो नहीं हो पाएगी, डेली
संभव नहीं हो पाता है, और भी काम रहता है, लेकिन डेली ना करके हम लोग अल्टरनेट, जैसे आज किए तो कल ना करके परसों कर लेंगे, फिर परसों किए तो उसका अगले दिन ना करके उसको अगले दिन कर लेंगे, ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। मतलब करना है, प्रयास रहेगा हमारा कि आपको हम प्रोवाइड करें चीजें ना, और आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए कि हाँ सर अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो सर और लोगों तक भी पहुंच सके। आइए पांच नंबर की बात करते हैं, पांच नंबर क्या है कहानी। इसमें हमने रेट, ब्याज का जो दर है उसका हमने बोला कि भाई चलो भाई 20% है, और इसमें हम बोल दिए कि टाइम 1.1/2 ईयर, या इसको आप बोल सकते हैं 1 year 6 months, ऐसे बोल सकते हैं। और आपसे हम बोले कि भाई आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए। अच्छा, एग्जाम में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो नहीं पूछेगा, जो पूछेगा उसको अगर आप इतना कर लेते हैं, इतना अगर आप इतना आपको आ गया तो जो पूछेगा उसको एकदम आप उड़ा दीजिएगा। तो पर हम आपको बेस न्यू मजबूत होगा तो उस पर आप 3 मंजिला 4 मंजिला 10 मंजिला इमारत खड़ी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। न्यू मजबूत नहीं होगा, एक मंजिल के बाद से दूसरा बनाइएगा, दूसरे के बाद से तीसरा मंजिला खड़ा कीजिएगा ना, तीसरा तल्ला बोलते हैं, खड़ा कीजिएगा तो आपको डर रहेगा कि भाई ढह ना जाए, तो न्यू मजबूत करिए पहले। तो वही हम बेस आपको बना रहे हैं, क्वेश्चन हम नहीं करा रहे, बेस आपकी हम तैयार कर रहे हैं कि भाई हाँ कैसे करना है, कैसे करेंगे हम यहाँ पे। ब्याज का दर आपका 20% है, लेकिन टाइम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज किया, टाइम आपको हमने यहाँ पर रख दिया 1 साल 6 माह, 1.1/2 years। अब ये थोड़ा सा लफड़ा गया, तो 20% का मतलब तो 1/5 है आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इंटरेस्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कि भाई ये 1/5 है इंटरेस्ट है, जोड़ लेंगे तो 6/5 होगा, जिसमें ये आपके प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला क्या हो गया, नीचे तो प्रिंसिपल हो गया, ऊपर क्या हो गया अमाउंट हो गया, ये आपको हम बता चुके हैं, आपको ये पता है। मेन लोचा अब यहां पर है, मेन लफड़ा यहां पर है। अच्छा देखो, ये जो रेट है ना 20%, ये पर एनम है, प्रति वर्ष वार्षिक है, 1 साल 6 माह, 1 year and half year, 1 and half year ऐसा टाइम है। तो आप समझो, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमको 1 साल तो कंप्लीट लेना है ना, 1 साल कंप्लीट, तो जब 1 साल कंप्लीट लेना है तो हम एक बार इसका यूज करेंगे, एक बार, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ये फर्स्ट ईयर तो हमको कंप्लीट चलना है, फर्स्ट ईयर पहला साल तो कंप्लीट चलना है ना पहला, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया 5 और अमाउंट कितना हो गया 6। लेकिन हमको आगे जो है ना सेकेंड ईयर में कंप्लीट नहीं जाना है, हमें सेकेंड ईयर में मात्र जाना है कितना, देखो 6 माह जाना है, या फिर आप 1/2 ईयर जाना है आपको। तो जब ये 1/2 ईयर जाना है मतलब समय हाफ हो गया, हाफ, तो जितना ब्याज मिल रहा था उसका आधा मिलेगा, तो ब्याज आपका था 20%, रेट आपका 20% था, तो आपका हाफ टाइम हो गया, तो रेट भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो आप 20% कह लो या फिर 1/5 कह लो, बातें की आप या तो 20% कह लो, समझो ध्यान से, 20% कह लो या फिर 1/5 कह लो, बातें की, तो आगे आपको 1/2 ईयर है, मतलब आधे साल ही जाना है, 6 माह ही जाना है, हाफ ईयर ही जाना है, तो रेट को आपको आधा करना पड़ेगा, या फिर आप रेट को आधा नहीं करते हैं तो जो देखो यहाँ पे 20% है, इसी का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, या तो आप इसको आधा कर लो, या फिर इसी का पार्ट ये है, ये इसको आधा कर लो, तो हमारे लिए क्या आसान है भाई, 1/5 है ना, इसी को हम आधा कर लेते हैं, आधा क्यों किए, क्योंकि देखो ये 1/2 आधा ही जाना है, समझ आ रहा है ना, आधा ही जाना है आपको। अब जब हमको आधा ही जाना है तो हम ऐसे कर लेंगे भाई, और जब ऐसे करेंगे ना तो हो जाएगा 1/10, अब फिर से नीचे आ गए प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट, ऊपर इंटरेस्ट रहेगा,
प्रिंसिपल 10 से इंटरेस्ट एक है तो देखो यहां से अमाउंट 11 हो जाएगा। तो अब जब अगला लिखेंगे ना छह मार्क लिए जब आप रेशियो बनाएंगे तो देखो 10 अनुपात क्या बनेगा 11 ऐसे बनेगा। ये अभी आपको और कराएंगे क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना एकदम ना। आ जाओ भाई आगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका आ गया 10 × 5 या 5 × 10 कर सकते हो आप। इधर 6 × 11 काटना है, कटने लायक है तो कुछ काट लीजिए। देखो 2 से कटेगा, 2 से 3 बार में 2 से 5 बार में तो ये आपका आ गया 25 और ये हो गया 11 × 3 = 33। तो ये जो है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और ये अमाउंट को, क्लियर। तो 1.5 ईयर मतलब 1.5 वर्ष बोल सकते हैं, 1.5 वर्ष के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ऐसे बनेगा। देखो यहां पर आपको मेन लोचा यहां पर था, हमने यहां पे समझा दिया। टाइम आधा हुआ तो हम लोग दर को भी आधा कर लिए, दर 20% था उसको आधा करते तो क्या आता 10% आता और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता 1/10। तो 1/10 ऐसे भी कर सकते हैं आप, या 20% के बदले में 1/5 है उसको आधा कर लो, बात वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहां पे सीआई कितना होगा, सीआई तो सीआई आपका हो जाएगा 33 − 25 यानी कि 8 यूनिट हो जाएगा। बोले भाई समझ गया कि नहीं समझ गए, समझ गए तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो ये था पांचवा जिसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि भाई आप कैसे इस चीज को कर पाएंगे, पांचवा था, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और ये छठा, ये 6 नंबर छठा में देखो यहां से छठा में आपने हमने बोला कि रेट था आपको 12.5% और हमने टाइम को रख दिया इस बार 1 ईयर & 4 मंथ्स 1 साल 4 मंथ। अब यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का हमें रेशियो तैयार करना है, कैसे करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम कैसे तैयार करेंगे, इसी की बात कर रही है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 12.5% का मतलब बताओ क्या होगा, 1/8 कर लिए तो हमें 1 साल तो कंप्लीट जाना है ना, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट जाना है तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे आप। तो प्रिंसिपल 8 हो गया, इंटरेस्ट 1 हो गया तो अमाउंट बनेगा बताओ 8 × 9। देखो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। लेकिन अब 1 साल जब कंप्लीट हो गया तो अगले अब हमको मात्र 4 माह पर जाना है, अगला 4 ही माह और जो 4 माह होता है समझो पूरे साल का, 4 मतलब क्या होता है 12 महीना तो 1/3 है, 1/3 4 माह जो है वो पूरे साल का क्या है 1/3 है, 1/3 है। इसका मतलब ये है कि जो दर है उसको 1/3 कर लो, तो दर तो 12.5% है उसका 1/3 कर लो, या 12.5% का मतलब 1/8 होता है तो 1/8 का 1/3 कर लो वैसे भी हो जाएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा 1/8 का 1/3 करते हैं तो कंप्लीट ही क्या बनेगा 1/24 बनेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1/24 बनेगा, दिख रहा होगा भाई ठीक है। अब 1/24 में 24 क्या है प्रिंसिपल है, ये जो 24 है क्या है भाई ये प्रिंसिपल है नीचे वाला और ये क्या है इंटरेस्ट, ये क्या है इंटरेस्ट है। तो बोलो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 25 हो जाएगा। तो 1 साल तो कंप्लीट हो गया लेकिन आपको आगे 4 मंथ ही जाना है 4 मंथ्स। तो देखो प्रिंसिपल हो गया 24 और अमाउंट हो गया 25, बस कर लेंगे हम ऐसे गुणा कर लेंगे। अब तो समझ गए ना, तो इत्मीनान से आपको बस पेशेंस बनाए रखना है। तो 8 × क्या होगा 24 और इधर 9 × 25 ऐसे कर लेंगे। अब इसे काटोगे आप ना तो 3 × 9 3 × 8 = 24 ती हो गया 8 × 8 = 64 और ये हो गया 25 × 3 = 75 जिसमें ये तो आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको हमने इस बात को समझाने की जो कोशिश की है अच्छे से आप इस बात को समझ पाए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट में आप अपना प्यार दिखाइए
और हमको मतलब कि एक साहस दीजिए कि हम आपके लिए क्लास लेकर आ पाए। कमेंट में आप प्यार दिखाइए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज बस इतना रहने देते हैं, लेकिन आपको हम जाते जाते आपके लिए प्यारा सा एक सवाल, 7 नंबर के रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% है, टाइम 1.1 होल 2/3 ईयर्स। आपसे इस पे बोलना क्या है, बताना क्या है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा। तो आज के दूसरा क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद।